श्री कृष्णा दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह के 8:15 और हम गोकुल में अपने होटल से निकलकर आ पहुंचे हैं रमन रेती के सामने वाले डियर पार्क में। दोस्तों, हमारी मथुरा वृंदावन यात्रा का यह एपिसोड 4 है। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो के एंड में पिछले एपिसोड्स के लिंक दे दिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। आप अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको रमन रेती के इस डियर पार्क में कई प्रकार के हिरण देखने को मिल जाएंगे और कुछ पक्षी भी यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग, बत्तख आदि। अगर आप चाहें तो इन हिरणों को पार्क के बाहर ही मिलने वाला जौ खिला सकते हैं। जौ को ये हिरण बड़े मजे से खाते हैं। इन हिरणों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, इसके लिए यहाँ पर एक रूल बोर्ड भी लगाया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं थे, बट कुछ ग्रुप्स में राजस्थानी और हरियाणवी लोग पहुँचे हुए थे। इसी वक्त हम भी वहाँ पहुँचे और वीडियो लेने के लिए अपना कैमरा सेट कर दिया। जैसे ही मैंने अपने कज़िन को फ्रेम में रखकर रिकॉर्डिंग शुरू की तो कुछ महिला यात्रियों का ग्रुप आया और पूरे फ्रेम को कवर करके पोज देना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं वहाँ पर आए हुए टूरिस्ट से पैसे लेकर उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। तभी मेरे कज़िन ने उनको समझाया कि हम कोई फोटोग्राफर नहीं हैं, हम तो बस आप लोगों के जैसे ही घूमने आए हुए हैं। यह सुनकर वो सब जोर जोर से हंसने लगे। फिर कुछ देर उनसे बात हुई, उसके बाद हमने साथ में एक मुस्कुराती हुई फ़ोटो ली और उस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, ट्रैवलिंग की यही बात सबसे खास है कि यह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर बाहर के अनजान लोगों से मिलाती है और कभी कभी कुछ अनजान लोग आपके हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। हमने भी अपनी इस ट्रिप पर कुछ ऐसे ही दोस्त बनाए और हैप्पी मोमेंट मेमोरीज क्रिएट की। अब हम आपको कृष्ण भक्त कवि रसखान जी की समाधि पर लेकर चलते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको रमन रेती से 150-200 मीटर वापस गोकुल की ओर आना पड़ेगा। यहाँ आपको 4-5 टूरिस्ट स्पॉट का एक साइन बोर्ड मिलेगा और बस यही है रसखान जी की समाधि। हेलो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं रसखान जी की समाधि पर, जो मथुरा की जो यमुना नदी बहती है उसके अपोजिट साइड में गोकुल के बहुत ही करीब, आप कह सकते हैं 1-2 किलोमीटर के आसपास ये जगह है। यहाँ से थोड़ा ही आगे 150-200 मीटर चल के आपको रमन रेती मिलेगा, उसके बाद आप कई और यहाँ पे जो पौराणिक स्थान है हमारे सनातन धर्म के वो यहाँ मौजूद हैं। तो एक बहुत अच्छी लोकेशन है घूमने के लिए और यहाँ बहुत शांति है जब यहाँ पर हम आए हैं। अब अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर स्थान के दोहे लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रस्थान जी की समाधि स्थल है, कुछ बोर्ड है, योगी आदित्यनाथ का जब काम हुआ कराया गया इन्होंने, तो वो सारी थोड़ी डिटेल है। लोकेशन बड़ी अच्छी है, बहुत शांति है, अभी टूरिस्ट बहुत कम है शायद कोरोना की वजह से, लेकिन हाँ यहाँ पर आकर काफ़ी सुकून। दोस्तों, कृष्ण भक्त रसखान जी का जन्म दिल्ली में लगभग 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। हालांकि उनके जन्म को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। बताया जाता है कि रसखान जी का जन्म एक शाही पठान वंश में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुगल शासक हुमायूं के अंतिम दिनों में दिल्ली की भीषण कलह की वजह से रसखान जी ब्रज में चले आए। हालाँकि ब्रज में आने से पहले रसखान जी को कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कृष्ण प्रेम में इस कदर मग्न हुए कि बस फिर मरते दम तक ब्रज में ही रहकर कृष्ण भक्ति की और अंत में
यहीं पर 1618 ईस्वी के आसपास अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर उनकी समाधि है यह स्थान यमुना का सुरम्य तट कहलाता है। बता है तो समाधि छोड़ करके सब नया। अच्छा हाँ, वो समाधि भी नहीं बनी है, दोबारा तोड़ करके दोबारा पत्थर लगाया उसमें। मतलब कुछ काम हुआ ही नहीं था, मतलब ना, 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 ना। समाधि वही था और देखने वाले चढ़ के वो था और कुछ नहीं था, उसके सिवा कहीं कुछ नहीं। अच्छा काम हो रहा, इतना बना है जो समाधि है ये, मतलब तभी की बनी हुई थी, बहुत पुरानी खान आए थे। अच्छा उसके प्लेट में उनका गैस नहीं थी, उसके बाद में बनी हुई है, बहुत पुरानी है। वहाँ रहती थी, वहाँ कुआ है उनका और रहते ही थे। हाँ रहते ही थे, हम लोग आते थे पखाना कर लिया मोर के नाच देखने के लिए, वही बैठ करके मोर का नाच देखा करते थे। आप लोग मतलब कब से हो यहाँ? हम लोगों को आज 3 रोज हो रहा है। 3 दिन हो गए हैं, कहाँ से आए आप लोग? मतलब हम लोग आए हैं बिहार से, लेकिन आज 32 रोज गुजर रहा है। अच्छा तीर्थ करते हुए भ्रमण करते हुए आ रहे, आज यहाँ से भी चल रहे। अच्छा यहाँ से मतलब आप पूरे मतलब पूरे तीर्थ भ्रमण? अच्छा रामेश्वरम जी, रामेश्वरम से जगन्नाथ करते हुए बैनाथ धाम करते हुए वापस बिहार, वापस बिहार जाए। तो अभी हमारे साथ निहाल सिंह जी है जो यहाँ के बारे में हमें सारा कुछ बताएंगे। तो आप बताइए सर, यहाँ पे मतलब आप कब से है यहाँ? करीबन 1-2 साल हो गई चलते इस काम को। अच्छा मतलब ये जो काम चल रहा है आप बोल रहे हो, ये सिर्फ 2 साल से भी चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, मतलब सारा काम हो रहा है? जी जी। तो पहले कैसे था यहाँ पे और अब में कैसे, मतलब क्या बदलाव देखा? पहले खंडर था यहाँ पे, पूरा खंडर था। हाँ पहले कोई रास्ता भी नहीं थी, एक रास्ता बनी हुई थी इसके समाधि के लिए, सिर्फ एक ही रास्ता था। हाँ ओके, जब से ये योगी जी आए भ्रमण किया चल रहा है। और अभी कितना टाइम लग जाएगा सारा कंप्लीट होने में? अभी लग जाएंगे 5-6 मिनट, 5-6 मतलब अभी और लग जाएंगे आपको मतलब। और इधर की तरफ आप बता रहे थे चांद बीवी? हाँ ताज बीवी है सर, ताज बीवी। हाँ ताज बीवी जी का है, जो कि रसान जी की बहन थी। बहन थी? अच्छा सर, वो भी कृष्ण जी की भक्त थी जी। वो पूरा ही दरबार यहाँ आ गया था, पूरा ही दरबार कृष्ण जी की भक्ति में ही लीन थी। वैसे तो वो जहाँ तक मुझे पता है मुगल परिवार से संबंध रखते हैं, पठान से रखते हैं, पठान समाज की। तो अभी रास्ता, अच्छा ये जो बना है क्या यहाँ पे बताइए? ये आपका मंच है? अच्छा ये स्टेज है? अच्छा ये स्टेज रहेगी यहाँ पे बोलने के लिए और वहाँ पे बैठने के लिए पूरा मंच बना, ये व्यवस्था है? अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भजन कीर्तन करने के लिए, भजन कीर्तन वगैरह जो जो बताते हैं कि रसखान जी के अंतिम दिनों में उनका पूरा परिवार ब्रज में आकर बस गया था और इसीलिए उनकी बहन चांद बीबी की समाधि भी यहां पर बनाई गई है। अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो आने वाले कुछ सालों में पूरा हो जाएगा। अभी भी यह स्थान घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों रसखान जी ने एक मुस्लिम कवि होते हुए भी राधा कृष्ण जी की इस प्रकार भक्ति की है कि उनकी गिनती कृष्ण जी के परम भक्तों में की जाती है। उन्होंने बहुत से दोहे सवयों और ग्रंथों की रचना की, जिनमें उनका ग्रंथ प्रेम वाटिका काफ़ी प्रसिद्ध है। उनके दोहे और सवे आज भी हमारे स्कूलों में हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। कृष्ण जी के प्रति उनकी भक्ति साफ देखी जा सकती है। अगर आप उनकी रचनाओं का अर्थ समझेंगे तो जानेंगे कि रसखान जी कृष्ण जी से कितना प्रेम करते थे। वो भगवान जी से यही प्रार्थना करते थे कि अपने प्रत्येक जन्म में वो ब्रज की माटी में ही जन्म ले, भगवान चाहे उन्हें पशु बनाए या इंसान, पेड़ बनाए या उन पर रहने वाले पक्षी, बस उन्हें तो ब्रज में ही जन्म लेना है। इसी अथाह कृष्ण प्रेम के चलते आजीवन कृष्ण जी की भक्ति करने वाले कवि रसखान जी ने ब्रज की माटी में ही देह त्याग किया और हमेशा के लिए अपना नाम कृष्ण जी के परम भक्तों में शामिल करा लिया। दोस्तों अगर आप गोकुल या रमन रेती घूमने आते हैं तो एक बार यहाँ भी जरूर आइएगा। यह स्थान बड़ा ही हरा भरा और शांति प्रदान करने वाला स्थान है। यहाँ आपको कृष्ण भक्ति करते हुए कई लोग मिल जाएंगे, जैसे कि हमें भी
चंडीगढ़ से आई हुई एक फैमिली मिली जो कृष्ण जी का कीर्तन कर रही थी। बस फिर क्या था, हम भी शामिल हो गए उनके साथ और आनंद लिया कृष्ण जी के कीर्तन का। तालिबान से संत ने बुलाए थे, तालिबान में कोई पान की दुकान थी, वहाँ कोई मुस्लिम पान खाने आया और उसने कोई हिंदू इधर बैठो तो और उसने और ने को थोड़ा सा हरस खान जी पूछने लगे। वो ये बोले कि ये हमारे देव इष्ट देव कन्हैया कह रहे इसके घर में तो जूती भी और वो गुस्से में आके कह रहा कि तेरे को ज्यादा दर्द हो रहा है तो तू जूते पहना ले। तालिबान से उन्हें छोटी छोटी जूती बनाई पहने लगे पैरों की और चल दिए पैदल कि मैं तो कन्हैया को पाके जूती पहनू। रास्ते में कीर्तन करके आया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है श्री राम के बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी से पूछता है कि भैया आपने इसको देखा, भैया आपने इसको देखा, सभी कहने लगे पागल है पागल है, कोई पत्थर मारे कोई कुछ मारे। 14 दिन हो गए रस खान को भोजन ग्रहण किए कि जब कन्हैया मेरे हाथों से जूते आके पहनेंगे जब मैं भोजन करूँगा भोजन में करूँगा। 14वें दिन जब कन्हैया का सिंहासन ढूंढा तो कन्हैया खुद प्रकट होके कहते बाबा आप किसको ढूंढ रहे। जब बाल छवि में दर्शन हुए रस खान को, रस खान उनके पैरों में गिर गया और दोनों हाथों से जूते पहने के वही दम निकलेगा। बोले सच्चे दरबार गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल की है समाधि आई देखो चलो सोरियो हमें भक्त खेल बनाई जल्दी चलो सोरियो हमें भक्त खेल बनाई जल्दी चलो सोरियो हमें भक्त खेल बनाई जल्दी चलो सोरियो
ग्रेल बनाए जल्दी चलो सोयो हमने दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे जिसमें आप ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण घाट के दर्शन करेंगे और इन स्थानों से जुड़ी कुछ जानकारी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी ताकि हम और न्यू टूरिस्ट प्लेस की वीडियो आप तक पहुंचा सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।